श्री राम समर्थ फरवरी 26 हर हालत में नाम स्मरण संभव है। आदमी की सारी दौड़ धूप शाश्वत संतोष प्राप्त करने के लिए होती रहती है, किंतु वह संतोष केवल भगवान के चरणों में ही है। इसलिए हर आदमी को भगवान की आवश्यकता है। हमारी सारी दौड़ धूप के बावजूद भी हमें भगवान की प्राप्ति का संतोष नहीं मिलता, इसके लिए हमारी परिस्थिति जिम्मेदार है। ऐसा हम सब लोग कहा करते हैं, लेकिन सचमुच परिस्थिति जिम्मेदार है या नहीं, यह हमें देखना चाहिए। परिस्थिति का विचार करते समय बाह्य और आंतरिक दोनों परिस्थितियों का विचार करना होगा। बाह्य परिस्थिति का विचार करते समय पहली बात स्वास्थ्य की आती है। स्वास्थ्य कैसा भी हो, हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं या नहीं, यह भी देखना चाहिए। स्वास्थ्य कितना भी क्षीण हो, देह कितनी भी विकल हो जाए, तब भी अंतकाल में भगवान का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा तो स्वयं भगवान ने ही गीता में कहा है। अतः देह की अवस्था विकलांग होगी तो नाम स्मरण करना संभव नहीं, यह कहना ठीक नहीं जचता। यानी देह का अस्वास्थ्य नाम स्मरण में बाधक होता है, ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। अनेक लोग आर्थिक अड़चनों के बारे में कुड़बुड़ाते हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि जब पैसा गांठ में नहीं होता तो चिंता होती है और भगवान की ओर ध्यान देने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, यह कहने में भी तथ्य नहीं है। सचमुच तुम मुझे बताओ, संसार में भरपूर धन कमाकर वैभव की चोटी पर पहुंचे हुए कितने लोग नामस्मरण करते हैं? आज तक कितने राजा महाराजा अपने राज वैभव को ठुकरा कर भगवान की प्राप्ति के लिए बैरागी हुए हैं। अतः हमारे पास पैसा न होना भगवान की प्राप्ति में बाधक होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बात ठीक इसके विपरीत है। पैसा भगवान के प्रति हमारी निष्ठा कम कर देता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो हमें लगता है कि पैसा हमारा सहारा है, बुढ़ापे में काम आएगा। इसीलिए यदि हम पैसा जमा करने का प्रयत्न करें तो बुढ़ापे तक हम जिंदा रहेंगे, इसका भरोसा हमें कौन देगा? सुख संतोष पैसे पर निर्भर नहीं होते, हरेक का दलबल निश्चित होता है। बेताल का जुलूस निकलेगा तो उसके साथ पिशाच होंगे ही, और भगवान का जुलूस निकलेगा तो उसके साथ दया क्षमा और जहां तहां आनंदी वृत्ति होगी ही। वैसे ही जब पैसा आता है तो उसके साथ बेचैनी लोभ असमाधान आते ही हैं। हो सकता है कि कभी परस्त्री विषयोपभोगों में हमारा साथ न दे, लेकिन पैसा पूरा साथ देता है। हम उसे जैसा खर्च करते हैं वैसा बेरोक टोक खर्च कर पाते हैं। बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन, मित्र मित्र, इन सब में मन मुटाव पैदा करने का यदि कोई कारण होता है तो केवल पैसा ही होता है। आज का मुख्य विचार, यदि हम धन संचय करेंगे तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं, लेकिन वह हमारा आधार न बने, उसे अनुसंधान में बाधक मत बनने दो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.